मुझे हार्ट की वर्किंग करेंगे ईयर नवंबर दिसंबर में वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले मैंने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाया था हार्ट में जो मसल होती है दसल ऑफ हार्ट वर्क ऑल थ्रू आउट आवर लाइव विदाउट रेस्टिंग क्योंकि जिस दिन हार्ट की मसल्स ने रेस्ट कर लिया उस दिन तुम इन मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल नॉर्मल मसल मसल्स मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स इसीलिए भगवान ना करे कभी तुमने सुना हो कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसे कार्डियक अरेस्ट भी बोला जाता है अब सिंपल बात करेंगे सिंपल भाषा में ये फ्लो चार्ट बेटा हार्ट पे पूरे एफर्ट्स लगा देना हार्ट इतनी बार कर लेना हार्ट एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हें ढंग से कभी याद ना हो ताकि तुम्हें हमेशा इससे डर लगे और तुम इसमें पूरे पूरे एफर्ट्स लगा सको सबसे पहले लंग्स तक ऑक्सीजन आ गई लंग्स तक ऑक्सीजन आ गई यहां पर हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन ले ली हेमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन लेकर आई है हेमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन लेकर आई है तो ऑक्सीजन लेकर जो आती है दल म्यूनेरी वेन पलमनेरी वेन लेकर आती है ऑक्सीजिनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में यह वॉल्व बना रखी है उन्होंने लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करता है वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी आर्टरी लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक है. ऐसा नहीं कि मेन आर्टरी ऑर्गन तक जा रही है मेन आर्टरी आगे कनेक्टेड होती है कैपिलरी से कैपिलरी की आगे ब्रांचेस होती हैं वो कैपिलरीज की जो ब्रांचेस होती हैं वो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती हैं और उन्हीं बॉडी सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है रेस्पिरेशन से पहले जो हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट लेती हैं और बॉडी ऑर्गन से वेस्ट लेकर यहां पर मेन वेन आती है डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड लेकर एंड इट एंटर्स द हार्ट थ्रू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू राइट वेंट्रिकल और राइट right वेंट्रिकल से पलम्यूनेरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाती है लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दिया जाता है और वहीं से ऑक्सीजन ले ली जाती है लंग्स से तो बस किसी की सवारी खाली नहीं जा रही जैसे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को उतारा हाथ के हाथ ऑक्सीजन को ले लिया तो एक बच्चा बोलेगा मतलब सेम हार्ट जो ऑक्सीजन लेकर आया अगर ध्यान से देखो मैं गंदा नहीं करना चाहता पहले ऑक्सीजन लेकर आया ऑक्सीजन दी ब्लड ने इसी ब्लड ने फिर कार्बन डाइऑक्साइड ली कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट से निकला और कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद जब यहां आया फिर दोबारा ऑक्सीजन ले लिया और फिर यह चक्कर चलता जा रहा है चक्कर चलता जा रहा है मीन्स इसे बोलते हैं डबल सर्क्यूलेशन इस फिनोमिना को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सेम हार्ट सेम ब्लड सॉरी सेम ब्लड हार्ट से दो बार ट्रैवल करता है सेम ब्लड सेल हार्ट से दो बार ट्रैवल करता है एक बार ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को लेकर और एक बार डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड को लेकर आपने याद क्या करना है ये फ्लो चार्ट अपने सामने दीवार पे चिपका लेना दिन प्रोवाइडेडेड ब्लड इन टू द लेफ्ट एट्रीएम इन टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू विच इट इज पास थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल द मेन artery टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड towards द डिफरेंट organs ऑफ द बॉडी बस इसमें याद रख लेना the main artery is connected to so many capillaries which are further divided into small branches and these small branches provide oxygen to different body cells now the body cells or body organs give uh, those cells carbon dioxide and waste back so that that blood is called deoxygenated blood the deoxygenated blood is taken back by main vein and is brought back into the right atrium and through right atrium the deoxygenated blood

एक बार ये लिखो ये चीज आपको दो तीन बार करनी पड़ेगी क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो दिक्कत आ जाएगी अगर वर्किंग ऑफ हार्ट आई अगर वर्किंग ऑफ हार्ट आई वर्किंग ऑफ हार्ट मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम कब आई थी उसमें से थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है बट अगर आई तो समझ लेना कि पेपर भी मुश्किल आया था पेपर इज गोइंग टू बी टफ अब एक और बात ये नोट कर लेना सर्क्यू लेटरी सिस्टम In which blood travels twice through the heart in one complete cycle of body is called double. सर्क्यूलेशन ये लाइन एक बार और लिख लेना और एक बार और ले लिख लेना हमारी बॉडी में सेम ब्लड फ्लोस ट्वाइस एक बार ऑक्सीजन लेकर आता है और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है ये याद रख लेना इसमें इन ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं द एनिमल्स सच एज मैमल्स बर्ड्स हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट ध्यान से देख लेना आगे उन्होंने एक और दे रखा है द एनर्जी दिस एनर्जी सर्कुलेन द एनिमल सच हेज एम्फीबियंस एंड मेनी रेपटाइल आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर दे डू नॉट नीड एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज लेस द एमफीबियंस रेपटाइल एंड थ्री है सिस्टिंग ऑफ टू एट्रिया एंड वन वर्टिकल वन वेंट्रिकल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है अगली एक चीज आती है हार्ट बीट तो हार्ट बीट की अगर डेफिनेशन आए तो वन वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट नॉर्मली नॉर्मली आवर हार्ट बीट्स 72 72 टाइम्स अ मिनट इसी को बोलते हैं पल्स कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो ऐसे हाथ आपको पे हाथ देखते हैं तो 60 सेकंड में बहत्तर बार तो 6 सेकंड में सात बार तो वो पांच छह सेकंड के लिए आपका हाथ पकड़ते हैं अगर ये सात बार पल्स आ जाती है तो मीन्स आपकी पल्स ठीक चल रही है रेस्ट में हां भाग रहे हो दौड़ रहे हो तो पल्स रेट और हार्ट बीट बढ़ेगी ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना एक चीज पूछी जाती है थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है बट कर लो वन इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है एक बार रिलैक्स करता है हार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन द प्रेशर इज एट विच द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड अराउंड बॉडी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर ध्यान से देख लेना सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है द मैक्सिमम प्रेशर द मैक्सिमम द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स हार्ट थ्रू द मेन आर्टरी जिसे बोलते हैं ए आर टी एरोटा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज जो प्रेशर ज्यादा होता है इस कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर थोड़ा ध्यान दे लेना और अब अगला आता है द मिनिमम प्रेशर मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज इन आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन प्रोसेस रिलैक्सेशन फेज फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टॉलिक प्रेशर इस कॉल्ड क्या डायस्टॉलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग होती है वन ट्वेंटी एम एम ऑफ मर्क्यूरी और डायस्टॉलिक प्रेशर की रीडिंग होती है एटी एम एम ऑफ मर्क्यूरी ये 120 ट्वेंटी बाई अगर आपका हार्ट ब्लड प्रेशर है तो बहुत अच्छा है अगर कम है तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं और अगर ज्यादा है तो वो बहुत गंदा होता है दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपर टेंशन कहते हैं हल्का सा वो लिख लेना इससे बचना लाइफ में हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाईपर टेंशन हाइपर टेंशन से काफी बीमारियां लगती हैं। शुगर और बीपी एक ऐसा वो होता है जो कहता है आ बीमारी आ तो थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना ब्लड प्रेशर कैसे चेक कराया जाता है वो तो आपने डॉक्टर्स के पास पढ़ा होगा इसके बाद जो लेक्चर आगे जब जा रहा है तो इस लेक्चर में बोला जाता है लिम फैटिक सिस्टम तो टिश्यू फ्लूड के बारे में मैंने आपको लास्ट उसमें बता दिया था ये लिम्फ के बारे में मैंने आपको बता दिया था लिंफैटिक सिस्टम की बस हल्की सी डेफिनेशन देख लो अ सिस्टम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिंफ वेसल्स और वाई एम एच ए टी आई सी एस लिंफैटिक्स एंड लिम्फ नोड्स लिम्फ को साफ करने वाले ब्लड को साफ करने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं लिम्फ को साफ करने वाले लिम्फ नोड्स होते हैं ये याद रख लेना लिम्फ नोड्स नोड्स जिनको बोलते हैं और लिम्फ ग्लैंड of the human body, which transport the liquid called lymph is called lymphatic system. सिस्टम वो कहता है, मैं तेरी मदद कर रहा हूं कम से कम दुनिया को बता तो दे मैं तेरी मदद कर रहा हूं तो इसीलिए इसका नाम लिम्फ होता है इसके अंदर होती है लिम्फ कैपी सेकंड सेकेंड लार्जर लिम्फ वेसल्स जिनके अंदर जिनके पोर्स इतने बड़े होते हैं कि बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल भी उनके अंदर एंटर कर सके लिम्फ नोड्स ये याद रख लेना और चौथा लिम्फ ये चार points होते हैं इसमें याद रख लेना lymph contains a special type of white blood cells called lymphocytes और lymph के functions यही होते हैं lymph role of lymphatic system तो जैसे खाना वो आप कभी गुरुद्वारे में लंगर ले आ, खाने जाओ आमतौर पे लंगर वो खिलाते इस तरीके से हैं कि आप पेट भरो बट नॉर्मली कभी नोट करना जो नॉर्मल लोग रेगुलर लंगर खाते हैं वो जब एक बार आते हैं तो एक बार के बाद लोग लंगर खा के उठ जाते हैं बट जो लंगर खिलाते हैं वो दोबारा भी आते हैं कि अगर किसी को और भूख लगी है तो और ले लो तो जो पहली बार आया वो ब्लड कैपिलरी जो दोबारा गया दैट इज लिम्फ कैपिलरी दैट इज व्हाट मेक्स गुरुद्वारे का लंगर वे अब एवरीथिंग तो रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या है टेक्स पार्ट इन nutritive process of body second it protects it protects the body by killing germs whatever is army for a country army is the blood of the country and police is the lymph of the country ये याद रख लेना पुलिस के पास फोर्स भी कम होती है रिसोर्सेस भी कम होते हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी कम होता है आर्मी के पास सब कुछ पुलिस से बहुत ज्यादा होता है ये याद रख लेना नंबर सी लिम्फ हेल्प इन रिमूविंग लिम्फ हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक डेड सेल्स उसके लिम्फ नोड्स वगैरह उसे साफ करने में मदद करते हैं ये लेक्चर में मैंने बोला कम है बट लिखने को बहुत ज्यादा दिया है और एक बात याद रख लेना लिम्फ का एक रोल होता है इसके पास ज्यादा सामान नहीं होता इसको हार्ट से पहले पहुंचते पहुंचते अपना सारा क्वांटिटी खत्म कर देना होता है ये याद रख लेना इसके अंदर इतना ज्यादा सामान नहीं होता कि वापस आए और वो करे बस इसको हार्ट तक पहुंचते पहुंचते, पहुंचते ट्रेन में हजारों लोग ट्रैवल करते हैं बट ट्रेन एक दो चार पांच की छूटती है उससे ज्यादा की छूटती नहीं है तो उनके लिए जो स्पेशल ट्रेन बॉडी के अंदर चलती है दैट इज कॉल्ड लिंथ चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन के अंदर फिर वही पहले करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स फिर करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हर चीज पहले प्लांट्स की फिर एनिमल्स की आई होप कि जो मुझे समझाना है वो मैं समझा पा रहा हूं फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय गॉड ब्लेस ऑल Cemal